न्यूरॉन। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है और उस सिस्टम को कहते हैं हम नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के ही एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन। ठीक है, और हमारी बॉडी के लार्जेस्ट सेल भी होती है न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी भी होती है क्या? न्यूरॉन। ठीक है, हमारी बॉडी में कंप्लीट बॉडी में क्या होते हैं? न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर्स में क्या होंगे? न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं ध्यान रखेंगे आपस में कभी भी अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट नहीं होता है, बीच में कुछ स्पेस वहां पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ओके, एंड न्यूरॉन को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सेल बॉडी। ठीक है, फर्स्ट तो क्या है? सेल बॉडी, और सेकेंड है नर्व प्रोसेसेस। ओके, सेल बॉडी एंड नर्व प्रोसेसेस। अब हम देखते हैं डायग्राम्स के थ्रू। देखिए, जितने भी मैसेज आएंगे, जो स्टिमुलस आएंगे, जो उत्तेजनाएं
क्लियर है। एक्सॉन जो है बच्चों ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट माइलिनेटेड एक्सॉन। एक्सॉन कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का, माइलिनेटेड एक्सॉन एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन की। ये जो आप पर्टिकुलर डायग्राम देख रहे हैं ये माइलिनेटेड एक्सॉन का है, मतलब एक्सॉन जो है उसमें आउटर सराउंडिंग में एक लेयर है जो क्या रहता है, कवर रहता है, और वो लेयर होती है माइलिन शीथ। ठीक है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं इस तरह से, ये है माइलिन। ठीक है, ये जो माइलिन शीथ है ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, व्हाइट कलर की लेयर होती है। ठीक है, क्या है माइलिन शीथ, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई व्हाइट कलर की लेयर होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बनाने में हेल्प करती है। क्लियर है, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है और उन सेल्स को हम कहते हैं स्वान सेल्स। ठीक है, स्वान सेल्स, क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस पाए जाते हैं बीच बीच में, और उन कंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं नोड ऑफ रेंडियर। ठीक है, नोड ऑफ रेंडियर, ये बीच बीच में जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये कहलाते हैं नोड ऑफ रेंडियर। दो नोड के बीच में एक इंटरनोड क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि माइलिनेटेड जो एक्सॉन है जिसे हम बोल रहे हैं कि माइलिन शीथ के थ्रू ये क्या रहता है, कवर्ड रहता है, तो क्या क्या फंक्शनिंग करती है माइलिन शीथ उसके बारे में देखते हैं हम। देखो बच्चों, माइलिन शीथ जो है फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइलिन शीथ क्या करती है, फर्स्ट फंक्शनिंग है रेट ऑफ ट्रांसमिशन को ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन को ये क्या करेगी, बढ़ा देगी। किस तरह से, ये देखते हैं, जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, मैंने आपको बताया डेंड्राइट क्या करेगा, मैसेज को कैच करेगा, अब वो मैसेज एक्सॉन को पहुंचाएगा, एक्सॉन क्या करेगा, एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन को पहुंचाने का काम करेगा। तो मैसेज यहां से जाएगा, लेकिन यहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो यहां पर मैसेज का ट्रांसमिशन नहीं होगा। जो नर्व इंपल्स होंगे उनका ट्रांसमिशन कभी भी माइलिन शीथ के ऊपर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक टाइप के आयन चैनल्स जो हैं जो कि हेल्प करते हैं मैसेज को आगे ट्रांसमिट करवाने के लिए, वो क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर आकर के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ करेगा, मतलब जंप करता हुआ मैसेज क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन बहुत फास्टली हो रहा है। कहाँ, जहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट है वहाँ पर से क्या हो रहा है, मैसेज का ट्रांसमिशन बहुत फास्टली हो रहा है। तो मतलब ये क्या करेगा, रेट ऑफ ट्रांसमिशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड ये क्या करेगा, इंसुलेटर का भी कार्य करेगा, और इसके अलावा माइलिन शीथ न्यूरॉन को फूड और एनर्जी प्रोवाइड कराने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, न्यूरॉन को फूड और एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगी।
क्लियर है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ऑल ओवर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे नर्व इंपल्स का। ओके।